दोस्तों, घुटनों का दर्द बढ़ती उम्र के साथ एक बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है और आखिर में जो एक परमानेंट सॉल्यूशन बनता है वो है नी रिप्लेसमेंट का, यानी घुटने का बदल देना। लेकिन नी रिप्लेसमेंट के बाद मरीजों को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है और कई बार किसी एक लक्षण को इग्नोर भर कर देने से ये एक बड़ी समस्या या कॉम्प्लिकेशन का रूप ले लेती है। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स, वार्निंग साइंस और उनके समाधान के बारे में बात करूंगा। इंडिया में लगभग हर साल करीब 2.5 लाख नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, यानी हर दिन में करीब 700 नी रिप्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहले आपको थोड़ा सा मैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें डैमेज्ड नी ज्वाइंट को एक आर्टिफिशियल ज्वाइंट से जो है वो बदल दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल ज्वाइंट जो है वो मेटल के बने होते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी आपकी फास्टर रिकवरी और नी रिप्लेसमेंट के आउटकम के लिए मददगार साबित हो सकती है। इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स सामान्य होती हैं जो कुछ दिन या हफ्तों में ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि अगर उनको समय पर ना पहचाना जाए या उन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये घुटने के लिए इवन आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकती है। तो इसको ध्यान से सुनो। पहले बात करते हैं ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। देखिए, काफी लोगों को लगता है कि नी सर्जरी के बाद सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा, दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सर्जरी के बाद भी आपको कुछ दिनों के लिए या हफ्तों के लिए पेन रहेगा ही रहेगा। ये पेन कुछ वीक्स तक रह सकता है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। नंबर दो, स्वेलिंग। नी रिप्लेसमेंट के बाद नी एरिया में स्वेलिंग होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो तो बिना देर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार सर्जरी के बाद ज्वाइंट के आसपास कलेक्शन इकट्ठा हो जाते हैं जिससे सूजन आ जाती है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयर ही होता है। तीसरा होता है स्टिफनेस। एक्चुअली स्टिफनेस सबसे ज्यादा अनोइंग होती है। कभी कभी पेशेंट्स को ये फील होता है कि उनकी नी ज्वाइंट बिल्कुल सुन हो गई है या जाम हो गई है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, जो फिजियोथेरेपी के बाद कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाती है अगर सर्जरी का कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। अब बात करते हैं कुछ खतरों की या वार्निंग साइंस की जो एक खतरनाक प्रॉब्लम का रूप ले सकती है अगर देखकर इनको इग्नोर कर दिया जाए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क ना किया। इसमें देखिए, सबसे खतरनाक होता है नी ज्वाइंट का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक सीरियस प्रॉब्लम है, हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है क्योंकि आजकल के एडवांस ऑपरेशन थिएटर्स इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन सर्जरी के दौरान ना हो। लेकिन अगर सर्जरी के बाद आपको ठंड से तेज बुखार आए या ज्वाइंट के आसपास रेडनेस हो तो ये मान लें कि वार्निंग साइन है जिससे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन का एक सिम्टम होता है। इसका कारण इन्फेक्शन के साथ साथ आपकी बॉडी का इम्प्लांट के अगेंस्ट एक रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कई बार आपकी बॉडी जो इम्प्लांट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, आर्टिफिशियल चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन देती है जिसकी वजह से नी ज्वाइंट पे स्वेलिंग आ जाती है। और पांचवा होता है ड्रेनेज फ्रॉम इंसीजन। अगर आपके इंसीजन से कुछ फ्लूड या पस आ रहा हो तो ये भी इन्फेक्शन होने का संकेत होता है या वार्निंग साइन होता है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन बोन में चला जाए तो ठीक होना मुश्किल होता है और इम्प्लांट के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि कई बार इम्प्लांट भी वहां पे ठीक से सेट नहीं होता। तो छठा होता है देखिए, नमनेस, टिंगलिंग। अगर आपके नी या उसके आसपास के एरिया में आपको टिंगलिंग महसूस हो रही है, सुन्नापन लग रहा है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि सर्जरी के दौरान आपकी किसी नर्व को इंजरी हो गई है। और सातवां जो काफी खतरनाक होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी जिसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि नस के अंदर कोई ब्लड का क्लोट बन जाता है और ये देखिए साइज पे, उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है इसका खतरा, लेकिन बड़े कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हो सकता है। डीवीटी होने पर पेशेंट को लेग में बहुत तेज दर्द हो सकता है, साथ में स्वेलिंग भी हो सकती है, जो जरूरी नहीं है कि वो नी ज्वाइंट के आसपास हो, ये पूरी टांग में भी स्वेलिंग हो सकती है। अगर ये लोकलाइज्ड है तो आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये लंग्स की ओर चला जाए, ट्रैवल कर जाए, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है जिससे जान भी जा सकती है। मरीज को तेज तेज सांस फूलने लगती है, उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, छाती में तेज दर्द हो सकता है,
जिससे मरीज की जान भी जा सके, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करें। तो देखिए, पहला है अर्ली मूवमेंट। ये एक तो डीवीटी के रिस्क को कम कर देता है और जो स्टिफनेस है उसको भी कम कर देता है। दूसरा, फिजियोथेरेपी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। रेगुलर फिजियोथेरेपी से पेन और स्टिफनेस में काफी हद तक कमी आ जाती है। तीसरा, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। कंप्लीट स्टरलाइज ड्रेसिंग सेट का ही इस्तेमाल करें, खुद से ड्रेसिंग करने का रिस्क बिल्कुल ना लें। ये सबसे बड़ा खतरा होता है वुंड के थ्रू इन्फेक्शन फैलने का। और चौथा, देखिए, रेगुलर मेडिकेशंस पेन मैनेजमेंट के लिए या स्वेलिंग को कम करने के लिए आपके डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिकेशन दी होती है, उनको आप रेगुलर इस्तेमाल करें जो भी आपके डॉक्टर ने बताया है। और साथ ही एंटीबायोटिक्स और अदर मेडिकेशंस भी मिस ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। अपना वेट थोड़ा कम रखें, वेट ना बढ़ने दें। ज़्यादा वेट होने से भी नीचे जब ज़्यादा भार पड़ता है तो उससे भी दिक्कत होती है। हेल्दी डाइट रखें और एक्सरसाइज जरूर करते रहें। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके समाधान नी सर्जरी के बाद, और कुछ वार्निंग साइंस जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए किसी बड़े खतरे से बचने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। और सबसे बड़ी बात, अपनी केयर टीम या अपने डॉक्टर से संपर्क बना के रखें। थैंक यू, धन्यवाद।